60-70% ऐसे लोग आते हैं जिनको इशू है. ओहो, और इसमें डिपेंड, यस, 26 to 40. लेकिन रीजंस क्या होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो बहुत कॉमन है, बैक पेन और नी. ओके, अब बैक पेन कैसी होती है, लेकिन उन्होंने कुछ वेट उठाया है, अब वेट गलत अंदाज से उठाया. हाँ, वो बैलेंस नहीं करते हैं. नहीं, क्या हुआ, मेरी बैक में पेन होगी, बस मैंने वेट उठाया. लेकिन उसकी रीजन क्या बनती है, क्यों गलत उठाया, वो मैं प्रैक्टिकली करके भी बताता हूँ. और जो नी है उसमें ये है कि हमारे जो जंक फूड है, हमारा फूड ऐसा है यंग एज में, कैल्शियम नहीं है, विटामिन डी नहीं है, हमारी बॉडी को जो मेन एलिमेंट्स चाहिए वही नहीं. और जो मजे की बात है, सबसे ज्यादा फ्री में हमें मिलती है सूरज की धूप, हम वो लेने को तैयार नहीं है. तो हमें कुछ प्रैक्टिकली आप दिखाएंगे किस तरह से आपकी एक्सरसाइज करवाते हैं और किस तरह से इससे रिलीफ मिल सकता है, थेरेपी एक्सरसाइजेस कौन सी होती हैं और आपको कितने टाइम में ये करनी होती है. रहमान, आपको कितना, मतलब अगर जिम में आते हैं, आप अपने घर में भी ये कर रहे हैं, तो कितना आपको चाहिए ड्यूरेशन के, डेली आपकी ये होनी चाहिए? 10 to 15 minutes, दैट्स इट. इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन डेली बेसिस पे आपने करना है. ये नहीं करना कि दो दिन कर ली और बस तीसरे दिन लेट गए, बस सब मैं नहीं कर सकता है. क्योंकि आफ्टर 2-3 days उस एक्सरसाइज के इफेक्ट शुरू होते हैं. आपको मालूम होता है कि ठीक है, आप फ्लेक्सिबिलिटी शुरू होगी, मोबिलिटी शुरू होगी, लेकिन उसमें फिर अगर बैक पेन है, हमने उसको कैसे करना है? फर्स्ट एक्सरसाइज में बैक पेन का बताता हूँ, लेकिन रीजन क्या करते हैं लोग, किस वजह से मोस्टली जो यंगस्टर है एक्सरसाइज करते हैं, मिस्टेक करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वेट है मेरे पास, अब उन्होंने वेट उठाया है, ठीक है, पोस्चर में बताता हूं, कितना वेट है आपके दोनों हाथों में अभी, तो ये जीरो एग्जाम्पल डेमो देने लगा हूं. ये वेट शोल्डर लेवल पे यूं अगर आगे पड़ा है, हाँ, यूं उन्होंने स्ट्रेट उठा लेना, ठीक है, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट आपकी बैक बोन पे पड़ता है. ओके, यूं स्ट्रेट उठाया, फिर कहते पता नहीं क्या हो गया, बैक बहुत स्टिफ, बहुत स्टिफ होगी. लेकिन उसका जो एक्चुअल एंगल, अगर आपने वेट उठाना है, वो कैसे उठाना है, अपने पाँव के पास लेके आए, फिर आप उठाएं यहाँ से, ताकि आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स हिप सपोर्ट करे बैक पे और ज्यादा प्रेशर ना आए. अच्छा, तो तरीका बेसिक ये है, आपने ये नहीं कि बस डायरेक्टली यहाँ से उठा लिया और इसका जो डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है आपकी बैक पे पड़ता है, डायरेक्ट जो सेंटर जो है ना, जितना भी वेट है वो सारा आपकी बैक पे, पता नहीं ऐसा लगेगा पता. अच्छा रहमान, बहुत सारी खवातीन ये कहती हैं कि हम तो दिन भर सारा काम करते हैं, जोड़ों का दर्द है, तो क्या वो, ये भी तो एक्सरसाइज है ना, मैंने ये भी उठा लिया, ये भी कर लिया, बर्तन भी. अच्छा, बाय द वे, काम क्या है, वो फिक्स्ड एक सर्कल है, ठीक है, प्रॉपर नहीं है. जैसे किचन में खड़े रहना या कपड़े धो रहे, इसके अलावा कुछ नहीं है. लेकिन उसके लिए प्रॉपर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी. जैसे आपको अगर देखिए, सबसे बड़ा जो बॉडी पार्ट है वो लेग है, बिल्कुल, उसमें मोबिलिटी खत्म हो जाए. उसके अलावा आपके शोल्डर हैं, फ्लैबी आर्म्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं. लेकिन उसके लिए आपको योगा एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपका फिक्स एंगल है. कुकिंग की साइड पे हो गए, कपड़े धोए साइड पे हो गए, एक्सरसाइज तो ना. अच्छा, कुछ कपड़े धोते हुए कहते हैं जब उठते हैं, हाँ, ये हमारी कमर रह गई. हाँ, उसमें भी ये कॉमन प्रॉब्लम है, मोबिलिटी नहीं है, ठीक है. उसके अलावा फ्लेक्सीबिलिटी खत्म हो चुकी है, डाइट में गुड फैट नहीं है, क्योंकि गुड फैट ना होने की वजह से भी जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी खत्म. अच्छा, ये जरा बताएं हमें मज़ीद एक्सरसाइजेस किस तरह. फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके साथ शेयर करूंगा, बताऊंगा कि बैक पेन अगर स्टिफ है, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म है, योगा बॉल, ठीक है, इजी अवेलेबल, कोई इतना नहीं है कि बहुत जगह से ढूंढना पड़ेगा, नहीं, और बहुत महंगी नहीं मिलती है, इजीली अफोर्डेबल है. ईजी एक्सरसाइज, बैक आपकी स्टिफ है, इसको आप थेरेपी एक्सरसाइज, पेन रिलीफ एक्सरसाइज आप कहीं भी आप कर सकते हैं. इसके लिए अगर आप समझते हैं कि डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, नहीं, लेकिन अफेक्टिव एक्सरसाइज है. फर्स्ट एक्सरसाइज आपने घुटनों पे बेंड होके इसके ऊपर, क्योंकि फर्स्ट आपको लगेगा पता नहीं मैं गिर जाऊँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. इस तरह आप इसके ऊपर वजन डालें, फटेगा नहीं. आपका वजन पूरा जो है आपकी सिर्फ बैक का वजन आएगा या आपकी पूरी बॉडी का वजन इस बॉल के ऊपर डिवाइड हो चुका हुआ है, ठीक है, ठीक है, अपर बॉडी का जो वेट है वो इस बॉल के ऊपर आ जाएगा, ऊपर आएगा, ओके, और नॉर्मली इजी रे, और देन स्लोली अप एंड डाउन. ये फर्स्ट बिगनर स्टेज है, ठीक है. हाउ मेनी टाइम्स आपको ये करना पड़ेगा? 10 reps, ओके, 3 sets, 3 times हमने रिपीट करना है. देन स्लोली अगर आपकी बैक स्टिफ है, मसल स्टिफ हो चुके हैं, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो चुकी है, फिर आपने ये एक्सरसाइज करनी है डेली बेसिस पे, ठीक है. ब्रीद इन देन आउट, ओके, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ठीक है. 3 sets आपने इस तरह करने हैं, मिनिमम 3 sets. और ये कितना टाइम टेकिंग होगा, कितनी देर में आपको ये कंप्लीट करना होगा? आप इसमें अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 10 reps आपने लगा लिए, उसके बाद आपने 10 to 20 seconds आपने ब्रेक लिया, फिर उसके बाद आपने इसको
रिपीट करें, लेकिन डेली बेसिस पे आपने करना है, तभी आफ्टर 2-3 डेज आपको डिफरेंस शो होना शुरू हो जाएगा। हाँ, मेरी बैक में जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी बेटर है, ये नहीं कि आप स्टिफ रहती है। अगर किसी के पास ये बॉल अवेलेबल नहीं हो तो फिर उसका क्या तरीका है रहमान, अगर हम इस बॉल को जरा साइड पे कर दें तो फिर उसके लिए हमें कौन सी एक्सरसाइज जो है उसको करना पड़ेगा? लेकिन उसके लिए फिर आपको कहीं भी आप देखें कि योगा मैट, वो भी आपको इजी मिल जाएगा, ठीक है। और ये एक्सरसाइज है, आप फ्लोर पे इस तरह फेस डाउन करके थोड़ा लेट जाएं, लेकिन ये उससे थोड़ा सा लेवल अप है। ओके, देन आपने फेस अप करना है स्लोली, ठीक। ये खवातीन भी कर सकती हैं ये वाली एक्सरसाइज? ये फ्लेक्सिबिलिटी योगा एक्सरसाइज है, पेन रिलीफ एक्सरसाइज है, ठीक है। अच्छा, बिगनर लेवल पे आप एकदम ऊपर नहीं जा सकते तो कोई इशू नहीं है, आप स्लोली स्लोली ओके, आपका बैक का हिस्सा बेंड होना चाहिए, कंप्लीट से फ्रंट उठना चाहिए, और इसका जो नेक्स्ट लेवल है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, फिर आप इस लेवल तक आ सकते हो, ठीक है। अभी अभी रहमान ने तो बड़ी अच्छी किस्म की एक्सरसाइजेस बता रहे हैं, तमाम लोग इजीली कर सकते हैं, तो डॉक्टर साहब ने भी हमें बड़ी अच्छी चीज़ें बताई कि किस तरह से आपको इससे बचना चाहिए। आप एक्सरसाइज करते रहे, मैं भी जरा देखने वालों को बताऊं, मैं भी एक्सरसाइज कर रही हूं, ये चूंकि वेटलेस है लेकिन मैं भी एक्सरसाइज कर रही हूं, शायद थोड़ी सी मोटिवेशन मिले और मेरी भी सेहतमंद मैं भी रहूं।